नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है आकाश और मेरा भी नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लड़की भी पसंद आती है और लड़की की माँ भी। समझने वाले को इशारा ही काफी है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्स से भरी और नंगेपन से भरी 10 ऐसी मूवीज के नाम बताऊंगा जो आपका बड़ा कर देगी, नजरिए की बात कर रहा हूं मैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 एडल्ट एरोटिक मूवीज की लिस्ट। नंबर 10 पे आती है 50 शेड्स ऑफ फ्रीड। इस मूवी को सन 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड थ्रिलर। 2 घंटे की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 4.5 की रेटिंग दी है और वहीं गूगल यूजर से इस मूवी को 100 में से 89% के लाइक दिए हैं। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड ही मिल चुके हैं, जिनमें से एक है पीपल चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा, मूवी स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि काफी बड़ा अवार्ड है हॉलीवुड के अंदर। और इस मूवी के अंदर आपको डकोटा जॉनसन, जेमी डॉर्नन और रीटा ओरा के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। For as long as we both shall live. नंबर 9 पे आती है जेरो विले। इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड कॉमेडी ड्रामा। 1 घंटे 36 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 4.7 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर से इस मूवी को 100 में से 77% के लाइक दिए हैं। इस मूवी के अंदर आपको जेम्स फ्रांसो, मेगन फॉक्स और सेथ रोगन के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 8 पे आती है माय ट्यूटर। इस मूवी को सन 1983 में रिलीज किया गया था। दोस्तों काफी पुरानी मूवी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये मूवी इस लिस्ट में क्यों है। और इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड कमिंग ऑफ एज। 1 घंटे 37 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। 100 में से 81% के लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स ने दिए हैं। इस मूवी के अंदर आपको कैरन के, मैट लेट्सी और क्रिपन ग्लोवर के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। I love you. The story of what happens when a boy's best friend, Jonathan, this is my mom, turns out to be his best. और नंबर 7 पे आती है मेरी पर्सनली फेवरेट मूवी, जिसका नाम है द ग्रीन इन्फर्नो। इस मूवी को सन 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड थ्रिलर। 1 घंटे 43 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.3 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर से इस मूवी को 100 में से 74% के लाइक दिए हैं। एक बात जो इस मूवी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका दिल कमजोर है तो इस मूवी को बिल्कुल ही मत देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे सीन जो आपकी रात की नींद तक उड़ा लेंगे। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 16 अक्टूबर 2014 को। इस मूवी के अंदर आपको लोरेंजा इजो, डायला सैबरा और किर्बी ब्लिस के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और अगले नंबर पे आती है द कैनिबल क्लब। इस मूवी को सन 2018 में रिलीज किया गया। इस मूवी का जोनर है हॉरर एंड कॉमेडी। 1 घंटे 21 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है। इस मूवी के डायरेक्टर थे गुड प्रेडजेंट और इस मूवी को 25 सितंबर 2018 को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको एना लुइजा, टेमन टैक्सा और रेनो बैट्सा के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और अगले नंबर पे आती है द मैडनेस विद इन। इस मूवी को सन 2018 में रिलीज किया गया था। IMDb ने इस मूवी को 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। 9 फरवरी 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको हंटर जी विलियमसन, एडिन गैली और टैसा फेरल के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और अगले नंबर पे आती है कक नाम की मूवी, जिसे सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा। 10 में से 6 की रेटिंग इस मूवी को IMDb ने दी है और 100 में से 24% के लाइक गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दिए हैं। दोस्तों गूगल यूजर्स ने वाकई काफी कम लाइक दिए हैं इसे मेरे हिसाब से। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 4 अक्टूबर 2019 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको मोनिकी पेरेंट, रैचर डैश शेरमैन और टिमोटी वी मर्फी के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। Are you ready to take the red pill? Or are you just another cuck? और अगले नंबर पे आती है हसलर्स।
इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड थ्रिलर। 1 घंटे 44 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है। गूगल यूजर से इस मूवी को 100 में से 77% के लाइक दिए हैं। 12 सितंबर 2019 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको जेनिफर लोपेस, कार्डी बी और लिल रेनहार्ट के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते नजर आ जाएंगे। दोस्तों एक बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये सिर्फ यही एक ऐसी मूवी है जो हिंदी में नहीं है। बाकी इस लिस्ट में मैंने आपको जितनी मूवीज़ बताई हैं ये सारी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। बट हाँ, हसलर मूवी आपको हिंदी सबटाइटल के साथ इसलिए गूगल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ईजिली देख सकते हैं। जो इस वीडियो में टॉप 2 की रैंक पर है वो कोई मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज़ है और इनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा अश्लीलतापन दिखाया गया है जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पसंद भी आए। तो नंबर 2 पे आती है एल्टेरेट कार्बन। इस वेब सीरीज़ को सन 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस वेब सीरीज़ का जोनर है ड्रामा। इस वेब सीरीज़ के अभी तक टोटल 2 सीज़न आ चुके हैं। IMDb ने इस वेब सीरीज़ को 10 में से 8.1 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर से इस वेब सीरीज़ को 100 में से 96% के लाइक दिए हैं। रेटिंग से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा दोस्तों कि इस वेब सीरीज़ में सिर्फ नंगापन ही नहीं स्टोरी भी काफ़ी कमाल की है। इस वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड 2 फरवरी 2018 को रिलीज़ किया गया था और इस वेब सीरीज़ के अंदर आपको जोएल किनमैन, मार्ता हिगारा और एनिसा एलसी के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिए। उससे होगा ये कि आपका किसी भी टाइप का सवाल होगा तो उसका आंसर मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, चाहे वो सवाल डाउनलोडिंग से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप का आपका पर्सनल क्वेश्चन हो। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। और नंबर 1 पे आती है सेक्स एजुकेशन नाम की वेब सीरीज़। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वेब सीरीज़ में क्या दिखाया जाने वाला है। 2019 को इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था। इस वेब सीरीज़ का जोनर है ड्रामा। इसके भी अभी तक टोटल 2 सीज़न आ चुके हैं। कॉमेडी के साथ साथ आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर ड्रामा, सस्पेंस और सेक्स भी देखने को मिलेगा। 10 में से 8.3 की रेटिंग इस वेब सीरीज़ को IMDb ने दी है। 96% के लाइक दिए हैं गूगल यूजर्स ने। 11 जनवरी 2019 को इस वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड एयर किया गया था और इस वेब सीरीज़ के अंदर आपको एमा मैकी, एसा बटरफील्ड और निकोटी गाटोवा के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये वेब सीरीज़ कॉलेज के स्टूडेंट के इर्द गिर्द ही घूमेगी, जहाँ पे आपको उनके लाइफस्टाइल और उनके बीच के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। I've noticed you're pretending to masturbate and I was wondering if you wanted to talk about it. तो दोस्तों यही थी टॉप 10 एडल्ट मूवीज़ की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको लिस्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना और साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना। और फाइनल में थैंक यू फॉर वॉचिंग।